देखिए यार कमलनाथ, तुम संघर्ष करो। I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth. Hey guys, good morning, welcome back to my new another vlog. तो guys स्वागत है सभी का हमारे नए ब्लॉग्स में। तो guys कल का ब्लॉग आपने देखा होगा एंड काफी रॉकिंग ब्लॉग था, बिकॉज यार मैंने जिंदगी में पहली बार हिरोला पे झूला, क्या सीन था यार वो, तो फर्स्ट टाइम था यार, तो थोड़ा सा तो डर लगता है, ऑब्वियसली सही बात है क्योंकि मुझे चक्कर की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है यार। तो मेरा ये डर खत्म हो गया कि मुझे ज़्यादा चक्कर नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा सा मन खराब हुआ था, बाकी कुछ नहीं हुआ मेरे को एंड मज़ा आया कल झूले में झूलने में। तो गाइस आज देखते हैं लाइफ में क्या जाना, कुछ नया चैलेंजिंग है एंड आज लाइफ में क्या होने, देखते हैं जो भी होगा अच्छा होगा, बिंदास होगा। ओके बडी चलते हैं लाइफ के चैलेंज के लिए। ताकत ही नहीं है तुम उठाने की, उठाओ थाने में। हाँ, इस बच्ची को ट्यूशन की स्पेलिंग नहीं आती है और ये ट्यूशन पढ़ती है, बताओ। और ये बॉस भी है, आप बताओ कैसी बॉस होगा, बताओ ट्यूशन की स्पेलिंग, या तो ट्यूशन की स्पेलिंग बताओ या फिर तुम बॉस नहीं हो आज से। हम बॉस थे भी नहीं, नहीं बॉस तो तुम, ट्यूशन की स्पेलिंग बता दोगे तो नहीं रहोगे आज से, बताओ। हम नहीं है बॉस, कोई नहीं। तो फिर ट्यूशन की स्पेलिंग बताओ, क्यों भाग रहे हो। हे गाइस, तो यार मैं अभी शॉप पे प्रेजेंट हूँ एंड अभी शॉप पर आ गए, सारी क्लीनिंग क्लीनिंग हो गई है शॉप की। क्लीनिंग करने के बाद जस्ट बाहर के लोग लाइक देख सकते हैं आप, वाहन चल रहे हैं और अभी आ गए नाथी राजा पेपर कंप्लीट करके। काय का पेपर था बेटा? इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर था, कौन से स्टैंडर्ड का है? नाइन्थ। इनके नाइन्थ के पेपर चल रहे हैं, तो एक गाँव से यहाँ पर आ गए, आज इनकी धमाकेदार पिटाई होने वाली है। क्या करेंगे, धमाकेदार पिटाई की मस्ती दोनों। नवाड़ी में कांग्रेस की रैली चल रही है एंड ये देखिए यार कमलनाथ, तुम संघर्ष करो। रैली में है बड़ी, तो मुझे शॉप पे काफ़ी टाइम हो गया है एंड 2 o'clock होने वाले हैं समथिंग। तो गर्मी यार बाहर देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ धूप है यार एंड फिर भी ये दुनिया कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। देखिए वाहन वगैरह सब चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, जैसे मैं ट्रैवल करना तो काफ़ी बेकार है। मैं बाहर का सीन दिखा रहा हूँ आपको, देखो बाहर का कुछ सीन है यार एंड अभी धूप काफ़ी तेज़ है, पूरा मार्केट सुनसान पड़ा हुआ है धूप के। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पानी का कैंपर लेने, बिकॉज ये कैंपर ख़त्म हो गया था यार शॉप पर एंड अभी देखिए मार्केट का सीन काफ़ी है और बाजार में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है यार। तो ठीक है चलते हैं गाइस। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work. तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग घर पे आए थे बिकॉज कैंपर खत्म हो गया था, मैंने आपको पहले बताया था, बट मेरा भाई नहीं आया था उस टाइम पे, बट मेरा सब बॉस आ गए हैं तो हम लोग आए थे कैंपर लेने, कैंपर को फुलफिल करते हैं एंड फिर निकलते हैं शॉप के लिए। और काफ़ी गर्मी है यार आज, देखिए धूप बहुत तेज़ है भाई साहब, सूरज भगवान की गर्मी देखिए आप, बहुत तेज धूप है। Sometimes you just gotta believe.
ये सिर्फ बहुत बचा हुआ पानी पौधों में डाल रहे हैं। अब बेस्ट करें, बेस्ट पानी डालने से अच्छा है कि पौधों को पानी डाल दिया जाए। गुड थिंकिंग बॉस। तो लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता रहता है यार, बेसिकली मेरा तो नॉर्मली। एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती हैं, जहाँ तक तो सारा कुछ ऐसा ही रहता है। एक कॉलोनी देखिए आप, सन्नाटा पसरा हुआ है सभी जगह, कहीं कोई भी नहीं। तो अभी घर के अंदर आ गए एंड यहाँ पे यार काफ़ी ठंडक लग रही है। मैं घर पे आता हूँ बेसिकली, मैं सारी लाइट ऑन कर देता हूँ, मुझे अंधेरा पसंद ही नहीं है। उजाला कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान आता था पहले बचपन में, तो उसने एक बोल डायलॉग था उसका, अंधेरा कायम रहे डायलॉग था, याद है? नहीं है यार। हातिम ताई तो ठीक है, जूनियर जी और शक्तिमान मैंने बचपन में बहुत देखा यार, दूरदर्शन टीवी पे दूरदर्शन टीवी पे आता था पहले। शाम को निकल जाते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। स्मार्ट वॉच। हे गाइस, तो सामने आप देख सकते हैं ये थ्रेसिंग चल रही है एंड ये मटर की थ्रेसिंग है और ये मजदूर लगे हैं, इसको पूरा मटर को लेके डाल रहे हैं अंदर, और इसके अंदर थ्रेसर में होती है, आगे से निकलते हैं इसके दाने। तो गाइस, तो ये देखिए गाइस, सामने से निकल रहा है भूसा एंड ये भूसा आता है अपनी पशुओं को चराने के लिए, उन्हें खाने के लिए डालते हैं। एंड गाइस सामने खड़े हैं 40 और साइड में देखिए गाइस, ये बकरियाँ चर रही हैं यहाँ पर। तो गाइस सिब और नाथी राजा चले गए हैं गांव, बिकॉज आज नाथी राजा का पेपर था 9th का एंड सिब को भी स्कूल जाना था, तो मैंने कहा उनसे अभी रुक जाओ, लेकिन फिर कल कह रहा था वो फिर से आएंगे, और अभी नाथी राजा को निकलना भी था तो निकल गए वो लोग गांव के लिए। हे बड़ी, तो अभी कोचिंग में प्रेजेंट है एंड आज सिर्फ एक बच्चा आया है, वो भी अपना कौन है, निखिल बॉस। एंड सारे बच्चे गाँव भाग गए हैं, अगला सीजन आ गया है तो समर में सभी गायब हो जाने वाले हैं। बेचारा निकल ले गया आज, और ये आयुष्मान भी नहीं आया, इसका फ्रेंड वो भी गायब रहा। तो यार अभी इसका टाइम हो गया, होली के फेस्टिवल पे सारे बच्चे घर गांव भाग गए थे एंड अभी कोई भी वापस नहीं आया है ना। एक बच्चा आता था यहीं से आयुष्मान, वो भी नहीं आया। और ये कल मेले में गया था और मैं झूल रहा था हिलोला वाले झूले पे, और ये बोल रहा है सर मैं आपको देख रहा था, ये नावड़ी झूले पे बैठा हुआ था। लगाई हे गाइस, तो यार कोचिंग से आने के बाद मैं घर पे आया था एंड घर पे कुछ काम था, घर पे फिनिश किया एंड जस्ट अभी मैं शॉप पर अवेलेबल हूँ। यार मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूँ कि पर डे मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल हो यार, धीरे 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 लाइफ साइकिल चलता रहता है एंड कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। एंड बाहर का मार्केट क्लोज हो गया है, अब मैं भी अपनी शॉप एंड शॉप बढ़ाने के बाद का सीन देखते हैं क्या बनता है। बड़ी मेरा संडे स्पेशल ब्लॉग आता है एंड संडे को मैं 110% कोशिश करता हूँ कि कहीं बाहर ले जाऊँ और वहाँ का एक तगड़ा ब्लॉग आपके सामने लाऊँ। एंड 6 days मेरा लाइफ स्टाइल ब्लॉग रहता है, जो कि कोचिंग जाना, कोचिंग से आना, शॉप खोलना या कुछ भी, बट संडे को स्पेशल रहता है, संडे का ब्लॉग आता है मंडे को। तो गाइस मैं एक ही दिन निकाल पाता हूँ एक स्पेशल ब्लॉग शूट करने के लिए, कहीं बाहर का ट्रिप बनाते हैं या कुछ भी करते हैं। एंड 6 days मेरी लाइफ स्टाइल ब्लॉग रहता है, तो इसको भी सपोर्ट किया करो गाइस। अभी आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपके सपोर्ट पर ही ये काम चल रहा है यार। हे गाइस, तो यार मैं आ गया हूँ अपने स्वीट रूम में एंड गाइस सारे दिन की भाग दौड़ मेरी इसी रूम में ख़त्म हो जाती है। और गाइस अब इस रूम में आने के बाद सिर्फ एक बात कहेंगे आपसे कि अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पे नए आए भाई तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, रॉकिंग ब्लॉग्स लाते रहते हैं गाइस एंड आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट कर दिया करो। ओके बेटी, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। जो है वो समा है तुम रह सकी।